आदाब, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम बातें करेंगे बेंगलोर में स्थित बेंगलुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसको शॉर्ट में बेस बोलते हैं। बेस बेंगलुरु में स्थित है। ये एक यूनिटरी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका द्वारा रूल होती है, उनके नॉर्म्स को फॉलो करती है। इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या खास है, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, कैंपस कैसा दिखता है, इसी तरह की स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाती है या नहीं, ये भी आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह के कोर्सेज़ यहाँ ऑफ़र होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन मिलता है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बेस की झलकियों से, उसके बाद हम वहाँ के कोर्सेज़, वहाँ के एडमिशन के बारे में बताएंगे। तो आगे आप पहले बेस की झलकियों को देखिए, उसके बाद सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। तो आपको छोड़े जाता हूँ बेस की झलकियों के साथ। बेस के कैंपस के सफ़र की शुरुआत हम उसके नई बिल्डिंग से कर सकते हैं। यह बिल्डिंग हाल ही में बनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। ये दूसरा व्यू, एरियल व्यू है इस बिल्डिंग का, मेन बिल्डिंग है बेस की। ये साइड व्यू, इमारत काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। ये एक और व्यू है, साइड व्यू। हर तरफ से तस्वीर ली गई है, काफ़ी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग दिखती है। ये बिल्डिंग का एक और व्यू, साइड व्यू है ये। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिल्कुल तैयार होने वाली है। ये क्लासरूम बेस का आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे फर्नीचर दिख रहे हैं, वेल डिज़ाइंड। ये दूसरा एंगल है क्लासरूम का। ये दूर से आप देख सकते हैं पूरे क्लासरूम का व्यू है। डेस्क है, आगे बोर्ड काफ़ी बड़ा सा लगा हुआ है। तो एक मॉडर्न जो क्लासरूम चाहिए होता है आपको एक अच्छी पढ़ाई के लिए, जो आज का कंटेम्प्रेरी है, वो दिखता है। ये लाइब्रेरी बेस की, किताबें रखी हुई हैं रैक में। एक अच्छे यूनिवर्सिटी की पहचान है क्लासरूम, लाइब्रेरी, ये फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी का एक और व्यू, लाइब्रेरी के ही व्यू को आप देख रहे हैं। एक और व्यू है लाइब्रेरी का, बेस की लाइब्रेरी है ये, किताबें रखी हैं। यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आप स्पीकर्स को देख सकते हैं, तरह तरह के टॉपिक पे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बेस में। और आखिर में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं। बेंगलुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अ यूनिटरी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की यूनिवर्सिटी है। आगे स्लाइड्स की मदद से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी द्वारा ऑफर किए जाते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी शेयर करूँगा कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती है, कैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे आप ध्यान से स्लाइड्स को देखिए। कोर्सेज/प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय बेस कर्नाटका। बेस कर्नाटका द्वारा ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज प्रोग्राम्स की लिस्ट आगे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कोर्सेज ऑफर्ड बाय बेस, 5 years इंटीग्रेटेड MSc इकोनॉमिक्स विथ एन ऑप्शन टू एग्जिट आफ्टर 3 years। हालांकि ये 5 साल का कोर्स है, लेकिन आप 3 साल बाद भी ये कोर्स छोड़ सकते हैं। आपको BSc ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी इकोनॉमिक्स में। वहीं दूसरा कोर्स है 2 years MSc इकोनॉमिक्स, ये भी आप कर सकते हैं बेस से। फाइव ईयर इंटीग्रेटेड MSc इकोनॉमिक्स एडमिशन एलिजिबिलिटी, द कैंडिडेट शुड हैव कम्प्लीटेड 12th standard/equivalent एग्जाम विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट एंड ऑब्टेन्ड ए मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन एग्रीगेट।
60% फॉर एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी एडमिशन लेने के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप आईएससी मैथ से किए हों, आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इंटरमीडिएट के साथ आपको 65% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, आपको अप्लाई करने के लिए 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स में बेस्ड कर्नाटका में। टू ईयर्स एमएससी इकोनॉमिक्स एडमिशन एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड बीएससी और बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स विथ इकोनोमेट्रिक्स मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स एज अदर मेजर कोर्सेज इन द डिग्री विथ मिनिमम ऑफ 55% फॉर जनरल 50% फॉर एससी एसटी इन एग्रीगेट। इसके लिए एलिजिबिलिटी है आप बीएससी किए हों, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में विथ इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट हो आपका, मैथमेटिक्स हो और स्टेटिस्टिक्स हो। जनरल कैटेगरी के लिए 55%, एससी एसटी के लिए 50% चाहिए मिनिमम मार्क्स। एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CU-SET, द कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द CU-SET एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम विल बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन। फॉर डिटेल्स विजिट द वेबसाइट www.best.ac.in। CU-SET में जो लोग अपीयर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, इन्होंने चॉइस दिया है बेस्ट कर्नाटका, वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो आपको एडमिशन मिल सकता है बेस्ट कर्नाटका में एमएससी इकोनॉमिक्स में या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स में। रिजर्वेशन ऑफ सीट, आरक्षण क्या है, कैसे आरक्षण दिया जाता है? 60% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका, यानी जो कर्नाटका के डोमिसाइल है वहां के रहने वाले निवासी हैं उनके लिए 60% सीट्स रिजर्व है। रिमेनिंग 40% सीट्स आर रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग कर्नाटका। बाकी बचे 40% सीट्स में दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इस मेरिट में अगर कर्नाटका का कोई स्टूडेंट आता है इस मेरिट में तो उसको भी एडमिशन मिलेगा इस लिस्ट से, यानी कर्नाटका के लिए 60+ और भी सीट्स हो गए। ऑफ द 60% सीट्स रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका, 20% इज रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट and 10% for scheduled tribe students. As regards other reservations, the policy adopted by the government of Karnataka will be followed. ये तो 60% में से सीट्स रिजर्व है 20% एससी के लिए, 10% scheduled tribe के लिए। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कोई भी नया नियम बनाती है रिजर्वेशन का तो ये यूनिवर्सिटी बेस फॉलो करेगी। Of the 40% seats reserved for students of all the states of the country, including Karnataka, 40% जो बची सीटें हैं जिसमें दूसरे स्टेट्स और कर्नाटका के भी बच्चे आ सकते हैं मेरिट में, 20% शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 10% शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिजर्वेशन नोटिफिकेशन जो रूल्स है वो फॉलो किया जाता है। स्कॉलरशिप, बेस्ट सेल फैसिलिटेट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ऑफ द रिजर्व कैटेगरी एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग देम द रिक्वायर्ड AISHE All India Survey on Higher Education Code, University Registered है AISHE से, वो आपको कोड देगी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। The AISHE code can be used during online application in the National Scholarship Portal, यानी भारत सरकार जो स्कॉलरशिप देती है उसका एक पोर्टल है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस वेबसाइट में आप बेस के स्टूडेंट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, यूनिवर्सिटी अलग से आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं देगी। बेंगलुरु डॉक्टर B.R. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने 3 मार्च 2020 को एनुअल फी नोटिफिकेशन जारी किया था। देखते हैं नोटिफिकेशन क्या है। एनुअल फी नोटिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स एडमिटिंग टू 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21। टोटल फी फॉर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स कोर्स विद एन ऑप्शन टू एग्जिट आफ्टर 3 ईयर्स इंक्लूडिंग हॉस्टल फी एंड रिफंडेबल डिपॉजिट फॉर द स्टूडेंट्स एडमिटिंग इन 2020-21। ये करंट सेशन के लिए फी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं फिलहाल एडमिशन तो हुआ नहीं है। सीरियल नंबर पर्टिकुलर कैटेगरी फर्स्ट ईयर जनरल OBC 99,900 यानी 99,900 फी लगेगी फर्स्ट ईयर में।
वहीं एससी एसटी को 96,950, दैट 96,950। सेकेंड ईयर जनरल कैंडिडेट्स 94,600, 94,600 एससी एसटी, 94,150, 94,150। थर्ड ईयर जनरल कैंडिडेट्स 99,600, 99,600 एससी एसटी, 99,150, 99,150। फोर्थ ईयर जनरल कैंडिडेट 1,09,600, 1,09,600 एससी एसटी कैंडिडेट्स 1,09,150, 1,09,150। फिफ्थ ईयर जनरल कैंडिडेट 1,14,600, 1,14,600 एससी एसटी कैंडिडेट्स 1,14,150, 1,14,150। डिटेल ब्रेकअप आप देख सकते हैं, एकेडमिक फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, फैसिलिटीज़ फ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, मेडिकल फ़ी, कंप्यूटर इंटरनेट वाईफाई फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आईडी कार्ड फ़ी, स्पोर्ट्स जिम फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, मार्क्स कार्ड फ़ी, हॉस्टल चार्जेस, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर हॉस्टल, मेस बेसिक एप्लीकेशन फ़ी, हॉस्टल एमिनिटीज़ फ़ी। कुछ रिफंडेबल डिपॉजिट्स हैं, हॉस्टल डिपॉजिट, लाइब्रेरी डिपॉजिट, मेस डिपॉजिट। बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया गया है, नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। यूनिवर्सिटी ने 4 मार्च 2020 को एनुअल फी नोटिफिकेशन जारी किया है एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए। आप देख सकते हैं एनुअल फी नोटिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट्स एडमिटिंग टू 2 ईयर्स एमएससी इकोनॉमिक्स कोर्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-21, यानी करंट एकेडमिक ईयर के लिए फी स्ट्रक्चर है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैटेगरी, टोटल फी पर एनम, हर साल आपको कितनी फी देनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर जनरल ओबीसी कैंडिडेट 1,19,900, 1,19,900 एस सी एस टी कैंडिडेट्स 1,16,950, 1,16,950। वही सेकेंड ईयर में आपको जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 1,14,600, 1,14,600 एस सी एस टी कैंडिडेट्स को 1,14,150, यानी 1,14,150। फी ब्रेकअप आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में कॉलम्स दिए गए हैं, ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, फैसिलिटीज़ फ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, मेडिकल फ़ी इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस, कंप्यूटर इंटरनेट वाईफाई फ़ी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आईडी कार्ड फ़ी, स्पोर्ट्स जिम फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, मार्क्स कार्ड फ़ी, हॉस्टल चार्जेस, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर हॉस्टल, मेस बेसिक एप्लीकेशन फ़ी, हॉस्टल एमिनिटीज़ फ़ी। रिफंडेबल डिपॉजिट्स हैं, हॉस्टल डिपॉजिट वापस हो जाएगी आपको, लाइब्रेरी डिपॉजिट वापस हो जाएगी, मेज डिपॉजिट वापस हो जाएगी आपको। इसके अलावा बैंक अकाउंट डिटेल्स आप नीचे देख सकते हैं, पैन नेम ऑफ बैंक कैनेडा बैंक, नेम ऑफ द अकाउंट, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। रिफंड पॉलिसी यहां दी गई है, कितना परसेंट आपको रिफंड मिलेगा अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं एडमिशन लेने के बाद। इसे आप पढ़ सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ लिंक की कॉपी आपके साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो बेस को लेकर सवाल थे, यानी बेंगलुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर जो जो ख्यालात आपके मन में आ रहे थे, इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक वो क्वेश्चन, वो क्वेरीज, उन सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि बेस आपके लिए एक सुटेबल यूनिवर्सिटी है कि नहीं। अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, एमएससी इकोनॉमिक्स या इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स, तो एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं, क्योंकि फ़ी तो काफ़ी ज़्यादा आपने देख लिया कि करीब करीब 5 लाख लगता है इंटीग्रेटेड एमएससी इकोनॉमिक्स में। उसी तरह से एमएससी इकोनॉमिक्स में भी आपको 2.5 से 3 लाख फ़ी लग जाएगी 2 साल में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने कमेंट, फीडबैक, किसी भी तरह के क्वेश्चन है बेस को लेकर तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। Stay home, stay safe, all the best for your career.